हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 सॉल्यूशन केसी सिन्हा क्लास 12 का, और कहाँ से कहाँ लेकर क्वेश्चन नंबर 22 का, 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक का। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा 22 का 4 नंबर। दरअसल जो सवाल इधर चल रहा है उसमें क्या है कि के का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। वो तो पहले हमारा क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वहां से इक्वेट करके हम कोई इक्वेशन निकाल करके के का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी हमें एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। किस पॉइंट पर, देखो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और एफ एक्स का वैल्यू देखो एलएचएल, एलएचएल कहने का मतलब जहां एक्स लेस देन होगा जीरो, तो यहां लेस ग्रेटर तो दिया नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब समझ गए कि लेस देन भी यहीं पर है और ग्रेटर देन भी यहीं पर है। तो एलएचएल भी इसी से और आरएचएल भी यहीं से आने वाला है। वन माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो x से यहाँ पर जीरो बिठाई हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1। तो ऊपर हो गया 1 माइनस 1, ऊपर तो हो गया तुम्हारा 0। नीचे देखते हैं 8 इंटू 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म। और लिमिट में 0 बाई 0 फॉर्म जब आ जाता है तो वो तुम्हारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो हमें साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला या फिर टेन एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला या फिर सिंपल से कॉस एक्स में सेट कर दो ताकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आवे। और इसका फॉर्मूला अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रहता है तो क्या हो जाता है, वन, इसका भी वन, इसका भी वन हो जाता है कि नहीं, तो हमें ऐसा सेट करना है। अब यहाँ आप देखिए तो एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, वो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का है। हम लोग वहाँ ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं वन माइनस कॉस टू थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल अगर टू थीटा है तो बदले में एंगल यहाँ एक थीटा आता है। वन माइनस कॉस थीटा अगर रहता था तो हम लोग कैसे लिखते थे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, इस तरह से। तो यहां पर कितना है, वन माइनस कॉस फोर थीटा के फॉर्म में है, वन माइनस कॉस फोर थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर टू थीटा के बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, चलो लिख लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू साइन स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई एट एक्स स्क्वायर। अब हमें लिमिट यहां पे सेट करना है साइन एक्स बटा एक्स के फॉर्म में। तो साइन एक्स बटा एक्स के फॉर्म में लिमिट सेट करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू को हम छोड़ देते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू एक्स को साइन टू एक्स का होल स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाई एट एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं। फिर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू और यहाँ पे साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में सेट करना होता है। तो थीटा के जगह पर कितना है, टू एक्स है, तो हम यहाँ टू एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि ये होल स्क्वायर में था तो होल स्क्वायर रहने दिए। अब ये तो हम अपना मन से टू एक्स को यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं, ये तो नाइंसाफी हो गया, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ 2x जरूर हम लोग डाले हुए हैं, 2x जरूर डाले हुए हैं, लेकिन हम यहाँ डाल चुके हैं 4x स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कितना से करेंगे, 4x स्क्वायर से। अब फिर थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, हाँ नीचे लिखते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू इंटू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बैलेंस हम लोग कितना करना पड़ेगा, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर से।
4x स्क्वायर से बैलेंस करना पड़ेगा और फिर डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर, कुछ इतना। अब इसका तो 2 2 ही रह गया और इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर और इस x स्क्वायर से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। और देखो 2 4 दुना 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां लिमिट कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका LHL आ गया 1। इसी तरह RHL भी, RHL तो यहीं से आने वाला है, तो RHL भी 1 ही आने वाला है। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, RHL का भी फंक्शन यही है 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर 2x और डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर। तो अभी तो हम लोग यहां सेट किए हुए हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग सेट कर लेते हैं 2 इंटू साइन 2x बाय 2x इसका होल स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल 4 दुना 8 से इससे कैंसिल इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। RHL भी हमारा निकल चुका है और वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इसका डायरेक्ट वैल्यू यहां पे k दिया गया है f0 इक्वल टू k। अब तो ये फंक्शन हमारा पहले से कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में पहले से कंटिन्यूअस बोला गया है, यहां लिख लेंगे कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, इसलिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज LHL हमारा कितना है 1, RHL भी 1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है k। तो यहां से ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या k 1 के बराबर, k इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो गया। ये था 22 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अगला देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 के पावर x माइनस 16 जब x नॉट इक्वल टू है 0 और एफ एक्स का वैल्यू हो जाता है k जब x इक्वल टू है 2। एट एक्स इक्वल टू 2 पर हमें k का वैल्यू निकालना है, फिर से वही काम करेंगे हम लोग LHL RHL, तो LHL RHL नॉट इक्वल टू 2 वाला से आ जाएगा। चलो बनाते हैं इसको LHL इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ एक्स का वैल्यू कहां से, यहां से 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 के पावर x माइनस 16। फ्रैक्शन में है दोस्त, तो हम लोग पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं मिल रहा। x के जगह पर 2 रख दिए तो 2 प्लस 2 मिलके हो गया 4 और 2 का पावर 4 मतलब 16, तो ऊपर 16 माइनस 16 और नीचे देखो 4 के पावर 2 रखेंगे तो 4 का पावर 2 4 इंटू 4 हो जाएगा मतलब 16 माइनस 16, यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म तुम्हारा मिल जा रहा है। तो डायरेक्ट लिमिट हम लोग अप्लाई किए तो हम लोग का 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब अब हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ काटना छाटना पड़ेगा, अलजेब्रिक है तो कुछ ना कुछ कटेगा यहाँ पे। अब काटने का दिमाग लाओ कि क्या कटेगा क्या हटेगा। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, देखो यहाँ पे 2 के पावर x प्लस 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 और माइनस 16 डिवाइडेड बाय, देखो अलग अलग, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ये बात जानते। अब यहां देखो 4 के पावर x है, 4 के पावर x है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर x लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दुना 4 के पावर x, हम इसके पावर को एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं यार, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 4 के पावर x को, पहले ऐसा लिखो और हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो चलो डायरेक्ट इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं 2 के पावर x और इसका स्क्वायर और फिर माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या
फोर का स्क्वायर। अब बोलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों किए हैं सर। चलो तो ये बात कैसे लिखे हैं यहां पर देख लिया ना, इसको मिटाता हूं। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू, ये दोनों टर्म में देखो तो कॉमन एलिमेंट क्या है, टू के पावर टू अगर हम कॉमन ले लें, कहने का मतलब चार कॉमन आ रहा है तो हम चार कॉमन कर लेते हैं, यहां बच जाएगा टू के पावर एक्स माइनस फोर, टू के पावर एक्स माइनस फोर और डिवाइडेड बाय, यहां देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी टू एक्स प्लस फोर और फिर टू एक्स माइनस फोर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो टू एक्स माइनस फोर और टू एक्स माइनस फोर कट गया दोस्त, अब जैसे कटा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी हमारा हटा, अब लिमिट अप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय टू के पावर टू करेगा प्लस फोर, इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय चार प्लस चार आठ, इक्वल टू वन बाय कितना हो गया टू हो गया, ये आपका निकल गया एल एच एल। ये कैलकुलेशन यहाँ पे खूब बढ़िया से देखा ना कैसे निकाले। अब आते हैं आर एच एल पे, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, तो आर एच एल भी सेम चीज निकलने वाला है, हम लोग बढ़िया से इसको कर लेते हैं। एक्स टेंस टू टू प्लस को टू ही लिखेंगे, टू के पावर एक्स प्लस टू माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर के पावर एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू। अब हम टू के पावर एक्स प्लस टू को लिख सकते हैं, टू के पावर एक्स इंटू टू के पावर टू माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर के पावर एक्स को, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं टू के पावर एक्स इसका होल स्क्वायर और फिर माइनस फोर का होल स्क्वायर, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू, फोर कॉमन ले लिए तो टू का पावर एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है टू के पावर एक्स माइनस फोर और फिर टू के पावर एक्स प्लस फोर, यह आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए कितना मिलेगा, फोर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू फोर बाय एट इक्वल टू वन बाय टू, एल एच एल निकल गया आर एच एल निकल गया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका तो वैल्यू ऑफ फंक्शन टू है तो एफ टू, एफ टू का डायरेक्ट वैल्यू के दिया गया है एफ टू इक्वल टू ए। अब हमारा ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू टू पर, तो हम लोग बोल सकते हैं इसलिए एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों बराबर होगा, तो डैट इज एल एच एल का वैल्यू आया है वन बाई टू, आर एच एल भी है वन बाई टू और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा कितना है के। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं के किसके बराबर होगा वन बाई टू के, तो इसलिए के इक्वल टू वन बाई टू, के का वैल्यू हमारा निकल चुका है वन बाय, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23, इफ एफ एक्स इक्वल टू, तीन वैल्यू एफ एक्स का है वन, इफ एक्स लेस इक्वल टू थ्री, एफ एक्स का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, इफ एक्स तीन से बड़ा है और पांच से छोटा है और एफ एक्स का वैल्यू है सेवन, इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू है फाइव, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले तो हम लोग एक ही चीज के सिर्फ निकालते थे, यहां पर आपको दो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ए को भी बी को भी, अब कैसे निकलेगा, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, एग्जाम में बराबर पूछता है इस टाइप का सवाल। तो पहली बात तो यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ हमारा कंटिन्यूटी पहले चेक जो करेंगे हम दो पॉइंट पर करेंगे, एक तो थ्री पर चेक करेंगे और दूसरा फाइव पर चेक करेंगे, तो पहले दोनों पर चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं कैसे हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। एट एक्स इक्वल टू थ्री, एल एच एल, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। अब एल एच एल थ्री के लिए
कहां कौन सा फंक्शन लेंगे, जहां पे x 3 से छोटा होगा, x लेस देन 3। देखो यहां पे इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, इसका हम लोग 1 लिख लिए। अब आते हैं RHL पर, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। अब RHL जहां पे x 3 से बड़ा होगा, देखो बड़ा वाला सिंबल कहां यहां पे है, किसके सीधा में, ax प्लस b के सीधा में, ax प्लस b के सीधा। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें x के जगह पर 3 बैठा दें, तो इसको लिख सकते हैं 3a प्लस b, 3a प्लस b। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f3, इक्वालिटी का साइन x इक्वल टू 3 पे कहां है, यहीं पर है, इसका भी वैल्यू कितना है, 1। अब यहां पे इस लाइन को पढ़ो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हिच fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन। ये किसी भी पॉइंट पर 3 पर भी 5 पर भी पहले से कंटीन्यूअस है, तो सिंस fx इज कंटीन्यूअस, किस पॉइंट पर कंटीन्यूअस, अभी तो हम लोग x इक्वल टू 3 का बात पर कर रहे हैं, इसलिए LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बराबर होगा किसका, ax प्लस b का, और ये भी बराबर किसका होगा, 1 का। यहां से हमें ax नहीं 3a प्लस b, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 3a प्लस b को हम बोल सकते हैं कि 1 के बराबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 3a प्लस b इक्वल टू 1, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहां पे दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, a का भी b का भी। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारे पास दो वेरिएबल आ ही जाए, दो इक्वेशन आ जाए, तो एक तो इक्वेशन हमें मिल गया 3a प्लस b इक्वल टू 1। ऐसा ही इक्वेशन एक और हमें मिल जाता तो हम लोग खूब आसान से a और b का वैल्यू निकाल सकते थे। तो ट्राई करते हैं कहां से मिलने का संभावना है इसका। एक और पॉइंट यहां पे है 5, तो 5 पर जब हम लोग निकालेंगे तो एक और इक्वेशन इसी टाइप का मिल जाएगा, फिर हम लोग a का और b का वैल्यू निकाल लेंगे। अब 5 पर निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू 5 पे पहले निकालते हैं हम लोग LHL, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5। अब LHL जहां पे x 5 से छोटा है, तो कौन सा फंक्शन, ax प्लस b, ax प्लस b। अब लिमिट अप्लाई करेगा 5, तो हो जाएगा 5a प्लस b, LHL निकल गया। अब आते हैं हम लोग RHL पर, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 5। अब fx जहां पे x 5 से बड़ा है, कहां बड़ा है, यहां पे देखो किसके सीधा में, 7, तो ये हमारा 7 हो गया। और तीसरा चीज वैल्यू ऑफ फंक्शन f5 कहां है, यहीं पर है दोस्त, इक्वालिटी का साइन यहीं पे है 7। अब देखो तीनों चीज निकल गया, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिखेंगे कि सिंस fx तो हमारा कंटीन्यूअस है, चाहे वो 3 पर हो या 5 पर हो, fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 5, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं LHL RHL और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों बराबर होगा, दैट इज LHL हमारा कितना आया है 5a प्लस b, RHL हमारा कितना आया है 7, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना है 7। तो यहां से हम लोग कंपेयरिंग करके बता सकते हैं कि 5a प्लस b भी 7 के बराबर होगा, ये इक्वेशन सेकेंड है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो 5a प्लस b का वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, 7। तो अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है, तो दो इक्वेशन हमारे पास है, एक यहां है एक यहां है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये और बी निकल जाएगा, इसके बाद आप लोग को इधर आ जाना है, यहां
सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू। पहला इक्वेशन कितना है, 3a + b = 1, और दूसरा इक्वेशन कितना है, 5a + b = 7, 5a + b = 7। इसको चलो हम लोग घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल, माइनस 2a किसके बराबर, माइनस 6 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 + 3 = 6, ये किसके बराबर हो गया, a हमारा हो गया 3 के बराबर, a निकल चुका है। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में बैठा दो, 1 पर भी 2 पर भी, तो पुट a = 3 इन इक्वेशन 1 पे हम लोग रखते हैं, तो 1 कितना है, 3a + b = 1, तो 3 × 3 + b = 1, b = 1 और 9 उधर भेज देते हैं, माइनस 9 हो गया, b = -a। तो इस तरह से a का वैल्यू हमारा 3 आया और फिर b का वैल्यू हमारा -8 आया। ये रहा आपका 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला सवाल देखते हैं, 24। इफ fx = ax² - b, यहाँ कंडीशन है जब x 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा है, fx का वैल्यू है 2 जब x 1 के बराबर है, fx का वैल्यू है x + 2 जब x 1 से बड़ा और 1, और फिर ये 0 कंडीशन यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, x यहाँ पे 2 शायद होगा, 2 < greater इज कंटिन्यूअस एट x = 1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन, शायद 2 यहाँ पे होगा, मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। तो इफ fx = ax² - b, जब x इतना इतना इतना, तो हमें किस पॉइंट पर रिलेशन निकालना है, a और b का, एट x = 1 पर। तो चलो एट x = 1 पर हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे LHL, लिमिट x = 1 - fx = x → 1। अब LHL यहां x 1 से छोटा है, कहां है दोस्त, देखो बिल्कुल यहां पे ax² - b के पास। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हम टाइपिंग किए हैं, आप लोग बुक में देख लीजिए क्या है। हालांकि इस पॉइंट पर हमें निकालना नहीं है, हमें तो 1 पर निकालना है, ax² - b। अब x के जगह पर 1 बैठा दीजिए, तो ये इंटू 1² - b = कितना हो गया, a - b। अब आते हैं हम लोग RHL पर, RHL = limit x → 1 + fx = limit x → 1। RHL जहां पे x 1 से बड़ा है, तो बड़ा कहां है, यहां पे है, देखो ये x + 1 के सीधा में, x + 1, x के जहां पर 1 बैठाओ, 1 + 1 = कितना हो गया, 2। अब आते हैं अगला, वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 कहने का मतलब जहां x 1 के बराबर है, देखो कहां पर है, 2 के जगह पर। अब तीनों वैल्यू निकल चुका है, अब यहां बोल रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये ऑलरेडी पहले से कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें सिर्फ रिलेशन निकालना है। यहां लिखेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x = 1 पर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं LHL = RHL = value of function, दैट इज LHL हमारा आया है a - b, RHL है हमारा 2 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है 2। यहां कंपेयरिंग के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या, हियर a - b = बोल सकते हैं 2 के बराबर, और यही हमारा रिलेशन निकला, ये और b का, ये और b के बीच का रिलेशन निकला। यहां लिख देते हैं विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपका आंसर है।
ये था क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ ए और बी का वैल्यू नहीं निकालना था क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे रिलेशन निकालना था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक ही पॉइंट पर, सिर्फ एक पर हम लोग चेक कर रहे थे कंटिन्यूटी को, यहाँ अगला कोई पॉइंट नहीं था। अगर दो पॉइंट रहता तो ए और बी का वैल्यू निकल जाता। 25 देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस इक्वल टू है वन, और एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन है वन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल द फंक्शन एफ एक्स बी कंटिन्यूअस। ए का वैल्यू कितना होना चाहिए कि फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस हो जाए। कुल मिला के जिस तरह से के का वैल्यू निकालते थे उसी तरह से हम लोग को यहाँ ए का वैल्यू निकाल के बता देना है। पॉइंट हमारा क्या है, एट एक्स इक्वल टू वन पर एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, और एफ एक्स का वैल्यू जहां पे एक्स एक से छोटा है, देखो किसके सीधा में, यहां पर एक्स प्लस वन, लिमिट अप्लाई करो वन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया टू। अब आते हैं आर एच एल पर, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, और एफ एक्स का वैल्यू जहां पे एक्स एक से बड़ा है, देखो कहां पर है, थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर के जहां पर, थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर लिमिट अप्लाई करो थ्री माइनस ए इंटू वन का स्क्वायर इक्वल टू थ्री माइनस कितना हो गया ए हो गया। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ वन, एफ वन इक्वल टू जहां पे एक्स एक के बराबर है, देखो कहां पर, ये यहां पर एक्स प्लस वन के स्थान पर, तो वन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया टू। अब हमें बोल रहा है कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो चलो ये फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस मान लेते हैं, तब कंपेयरिंग करके ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा, तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि एल एच एल का वैल्यू कितना आया है टू, आर एच एल का वैल्यू कितना है थ्री माइनस ये, और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा कितना है टू। हमें तो ए का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि इसलिए कि थ्री माइनस ए किसके बराबर होगा टू के बराबर, थ्री माइनस ए इक्वल टू टू के बराबर, तो माइनस ए किसके बराबर होगा टू माइनस थ्री, माइनस ए इक्वल टू किसके बराबर माइनस एक, तो ये किसके बराबर वन के, ये इक्वल टू कितना हो गया वन हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।